गाइस जैसे आप लोग तो मिले हैं देख सकते हैं वह गांव में ही सिलाई मशीन का काम करने को तैयार देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर मशीन लगाया गया है लगभग यहाँ पे आपको 31 मशीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप काम करने के लिए जगह करने वाला है इसलिए आप गाँव में ही काम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। अच्छा सब आप लोग नीचे बैठ जाइए नहीं तो नीचे जाइए अगर आप लोग को जगह है तो बैठिए नहीं तो नीचे जाइए। अच्छा सब चालू हो जाएगा उसके बाद आपको ऊपर लाया जाएगा। अच्छा सर देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पर स्मार्ट मशीन मिल जाएगा जो कि डिजिटल इंजन का काम करता है। ये सम्मानित करेंगे कैश भाई को और ताली से थोड़ा आप लोग हंसाई कीजिए चार को विमालापन और उनके लिए सम्मानित करें लखनी के लिए आपने इंटरव्यू लिया तो फिर से एक बार हम पहुंचे हैं और आपको बता रहे हैं कि बैग कारखाने का जो नियम बीच में रुक गया था अब वो जो है फिर से एक बार सुनवाद हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक भव्य उद्घाटन के साथ बैग कारखाने का हुआ है और पूर्व विधायक शमीन साहब के द्वारा यहाँ पे सीधा कर उद्घाटन किया गया। सब क्या कहेंगे
जी बहुत किसी तरह हम लोग पहले से चाह रहे हैं जैसे बिहार में इस तरह का काम हो, जो हमारे बिहार के लोग गुजरात जाते हैं, बम्बई जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं काम करने, अगर वो मेरा बच्चा अगर बिहार में ही काम करे तो इससे बड़ा खुशी का हो सकता है। कैसे आए हैं ये चार दिया लेके आए? तो दिया तो सरकार के ही उधर पे ही गर्मी भी बहुत ज्यादा है और थोड़ा तेज आप जो की गिनती कर रहे हैं कम से कम इतिहास से माननीय विधायक मालापुर करने का आनंद जी को सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामना देता हूँ आमिर इंटरप्राइजेज को, इन्होंने अपने गांव में ये अभियान शुरू किया बैग बनाने का, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम लोग तो इसको इसलिए भी आज विशेष दिन है कि शिवहर के पूर्व विधायक माननीय जनाब सरफुद्दीन साहब पधारे हैं और इस जगह से अमल वाला रिश्ता है, वो भी एक अच्छा संयोग है। और वोकल फॉर लोकल जो हम लोगों का अभियान है सरकार का, भारत सरकार का, एक तो बच्चों का, गांव के लोगों का स्किल का डेवलपमेंट और लोकल ऐसे ग्रामीण इलाकों एक का काम दिल्ली बॉम्बे से फिनारा में सिस्टम कर दिया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं कहना चाहते हैं कि पहले हर एक इंसान को गांव में काम करने का सुविधा नहीं था, जिसके लिए सब चीज़ काम करने के लिए, जिसके लिए मुझे दिल्ली और बॉम्बे के आगे सब करने के लिए हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने काम गाँव में भी कर सकते हैं, उसके बाद अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा हर एक इंसान बहुत चाहिए अपने गाँव में कस्बे में ऐसा हर एक चीज का खाना बोले जिसको अपना फैमिली के साथ सबके योगदान दिए। बैठे उन्हीं बोलिए ना बेचने के बजाय हम काम करेंगे।